जो हमारी बात सुनेंगे आप प्लीज, आप पब्लिक को जो बाहर निकली है इनके जज्बात बढ़के हैं, किसी को छेड़ना नहीं है, चाहे वो कमर्शियल है चाहे वो रेजिडेंशियल है। अरे एज ए पार्ट ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म इनको कहा है आप हमें रिप्रेजेंट करें ताकि आपकी बात हम आगे पहुंचाएं। इसमें हमें परसों जो प्रोटेस्ट हुआ था उसके बाद एक 5-member कमेटी बनी थी, फॉर्मुलेट की थी लोकल इनहेबिटेंट्स ने एंड देवर लेड बाय आवर ऑनरेबल MP। तो उसमें यही कहा था कि रेजोल्यूशन की तब वर्कआउट करेंगे, रेजिडेंशियल हाउसेस को टच नहीं किया जाएगा। एज रिगार्ड्स इनकी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स की बात थी या फिर कुछ रेगुलराइजेशन थी ऑन द पैटर्न ऑफ अर्लियर रेगुलराइजेशन, उसके लिए हमने कहा था देर इज अ सेट प्रोसीजर ऑफ द गवर्नमेंट, दे नीड टू रिप्रेजेंट एंड द कमेटी वॉज रिक्वेस्टेड टू रिप्रेजेंट थ्रू अ मेमोरेंडम। वो अभी तक अवेटेड है, मैं आज दोबारा इम्प्रेस अपॉन करूँगा कि उस मेमोरेंडम को विदाउट फर्दर डिले फॉर कंसिडरेशन अंडर नॉर्म्स DM को दिया जाए, और इसके लिए इन्होंने कहा है कल 12 बजे से पहले दे विल बी सबमिटिंग इट। टिल देन ये जो नोटिसेज जारी की जा रही है इन पर कुछ रोक लगाई जाएगी? देखिए नोटिसेज का पीरियड अभी एग्जॉस्ट नहीं हुआ है, आप 12 बजे तक पहले आई श्योर कल कुछ नहीं है ऐसा इशू, आप सिर्फ मेमोरेंडम दे दीजिए ठीक है, 12 बजे तक कोई नोटिस कल नहीं सर। ये कमर्शियल के लिए भी मांग रहे कि हमें कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी राहत दी जाए, आफ्टरऑल हमारे घर ऊपर हैं और जो दुकानें हैं वो नीचे हैं, तो इनका कहना है किस तरह से चलेगा, अगर नीचे से दुकानें हटा दोगे तो घर तो ऑब्वियसली टूटेंगे। मैम ये पॉइंट कमेटी ने रेज किया था तभी कहा गया है कि वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करें, उस पर केस टू केस बेसिस में रीएनालाइज किया जाएगा इस चीज़ को, बट दे नीड टू रिप्रेजेंट। मैम सर एक तरफ सरकार ये बार बार आश्वासन दे रही है कि हम कोई भी नोटिस जारी नहीं करेंगे, दूसरी तरफ लोगों को नोटिसेज आ रहे हैं, पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रही है, DC मैम यहाँ पे आ नहीं रही है, आप बार बार विजिट करें, क्या DC मैम कैसे हालात में आके इन लोगों से मिलना जरूरी नहीं है? लाखों की तादाद है, 5 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन बठिंडी के अंदर इस वक्त। देखें DC मैम का आना या हमारा आना इज वन एंड द सेम थिंग, यू आर बीइंग रिप्रेजेंटेड ठीक है, मेरे थ्रू रिप्रेजेंट हो रहे हो ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि प्रोसीजर जो हमने सेट किया है उसको हमने फॉलो करना है। हमने डिसाइड किया था 5-member कमेटी को कि वो मेमोरेंडम विद ऑल द फीचर्स देंगे, जब तक आप वो नहीं दोगे आपकी वर्बल चीज़ों पे सेम चीज़ दोबारा लोग इकट्ठे हो रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं, आप जल्दी से रिप्रेजेंट करें और इसको खत्म करें, ले करें फियर्स को। क्या अभी LG साहब से ऐसा कोई हुक्मनामा नहीं आया एज पर ऐसे डायरेक्शन? SDM आई बीन सेंट, मैं उतना ही बात करूंगा जितना मेरे को ब्रीफिंग है, आप दीजिए मेमोरेंडम तो DM विल स्पीक ऑन दिस। सर फाइनली इन लोगों के लिए क्या होगा जो लोग रोडों पे निकल, आप रिप्रेजेंट कर दीजिए, कुछ नहीं होगा, आप रिप्रेजेंट कर। क्या हम ये माने कि इन लोगों पे बुलडोजर नहीं चलेगा? देखें बुलडोजर लोगों पे क्या किसी पे नहीं चलना चाहिए ठीक है, अब एज रिगार्ड्स कुछ एनक्रोचमेंट्स की पॉलिसी थी जो रिमूवल की, उसमें अगर कोई कॉमन पब्लिक हिट हो रही है उसके लिए ऑलरेडी आपको कहा गया है कि दे विल नॉट बी टेस्ट अपॉन, प्रोवाइडेड देर शुड बी जेन्यून पीपल विद स्मॉल डवेलिंग्स एंड पुअर हाउसहोल्ड्स होने चाहिए। उसके बाद की कैटेगरीज को अगर कोई हिट हो रहा है वो लोगों ने रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उनको रिप्रेजेंट मेमोरेंडम देंगे, अगर इसके बाद भी अगर ये हमें ऐसे कोई नोटिस जारी करते हैं तो हम अपनी प्रोसेस जारी रखेंगे, अगर हमें नहीं ऐसा कोई आश्वासन मिला दोबारा से कल 12 बजे तक अपना मेमोरेंडम सर्व करेंगे, उसके बावजूद भी अगर ये दोबारा से ऐसा कोई नोटिस सर्व करते हैं उसके लिए हम तैयार हैं, उसके लिए हम प्रोटेस्ट करेंगे। सरकार ने जैसे कहा है कल की 5 से 15 मरले सिर्फ रेजिडेंशियल की बात की, ना इसमें इरीगेशन ना कमर्शियल को इंक्लूड किया, अगर सरकार ऐसा करती है कमर्शियल और इरीगेशन भी इसमें लाती है तो उसमें सहमति होगी आप लोगों को? देखिए सहमति तो उस टाइप की होगी कि जो लोग यहाँ पे बसे हैं उनको रेगुलराइज किया जाए, हमारी मेन बेसिक जो है डिमांड्स भी यही है, तो सरकार भी इस पे पूरा उतरे। अगर सरकार हमें यहाँ पे दोहरा मतदान दोबारा से हमें नोटिस जारी कर दी जा रही है और रेजिडेंशियल छोड़ के कमर्शियल करेंगे उसमें नहीं होगा। सरकार का बयान कहाँ है, किस सरकार ने बयान दिया है? ना LG साहब ने बयान दिया, ना DC साहब ने दिया, ना DIPCOM साहब ने दिया है, वो तो एक भारतीय जनता पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं, हम उन पे क्या विश्वास करें? मुझे बताइए सरकार आए ना, अब SDM साहब आए हैं, तहसीलदार साहब आए हैं, इनका नोटिस जो होता है वो वैलिड होता है, मेरे बयान देने से मलिक साहब के इनके बयान देने से क्या होगा? हम ये कहते हैं कि जो आप कह रहे हैं, ये सरकार कह रही है जी 5-10 मरले, भाई सरकार कहे तो सही आगे, सरकार तो कहीं है ही नहीं। यहाँ पर तमाम लोगों ने कहा है जो पार्टी हमें रेगुलराइज करेगी हम उसका झंडा उठाने को तैयार हैं। ओ भाई मैं एक बात कह रहा हूँ कि जो इस वक्त इनके जख्मों पर मरहम लगाएगा हम तो उसको वाहवाह करेंगे, लेकिन हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये काम सरकार का है, हमने तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से अपील की है, हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से आए, हम BJP से भी कहते हैं, कांग्रेस से भी कहते हैं, यहाँ DAP के लोग भी आए, आम आदमी के भी आए, हम ये कहते हैं कि ये इंसानी मसला है, सरकार बयान दे, कोई पार्टी नहीं। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए 9 7 2 8 2 5 3 6 6 3 पर।